रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अपने चरम पर है और उस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के 4 इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया है। रूस की संसद ने भी पुतिन के फैसले पर मुहर लगा दी है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन के से अब रूस क्यू सहित कई इलाकों में हमला अपना जारी रखे हुए और इसके बाद यूक्रेन के 30% पावर स्टेशन तबाह हो चुके हैं। न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने रूस के बॉम्बर को खदेड़ दिया है। खबर यह है कि रूस के TU-95 को अमेरिकी एयरफोर्स ने हवा में ही रोक दिया। रूस ने खेरसोन के आसपास से 60,000 लोगों को निकालना शुरू कर दिया है और अब रूस काला सागर में परमाणु विस्फोट की तैयारी कर रहा है। रूस ने यूक्रेन पर हमले अब और तेज कर दिए हैं। खासतौर पर ईरानी ड्रोन से क्यू सहित यूक्रेन के शहरों पर हमला किया जा रहा है और इसके बाद कई जगहों पर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। यूक्रेन भी रूस के हमलों का जवाब दे रहा है। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले इलाकों में ड्रोन से बम गिराए हैं जिसका वीडियो सामने आया है। रूस का यूक्रेन के शहर पर हमला जारी है। यूक्रेन के डोनेस्क में भी रूस ने जमकर तबाही मचाई हुई है जिसके बाद कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के सैनिकों पर गोलियां बरसाई है। रूस का दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने जंगल में छिप करके उसकी सेना पर हमला किया है। रूस ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। ज़ापोरिज्या परमाणु प्लांट्स पर कब्जा करने की यूक्रेन की कोशिश एक बार फिर नाकाम हुई है। यूक्रेन में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स पर रूसी सेना ने मार्च में ही कब्जा कर लिया था। यूक्रेन में रूस के हमले और तेज हो गए हैं जिसके बाद भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन में मौजूद भारतीयों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने को कहा गया है।